नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे नेपाल जाने वाले लोगों को लेकर, खास करके कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यात्रा में और भी सख्ती बढ़ा दी गई है। भारत नेपाल की सीमाओं पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से सख्ती जो है बढ़ाई गई है। बता दें कि नेपाल में प्रवेश करने से पहले टीका लेने का प्रमाण पत्र और कोरोना जाँच की अनिवार्यता कर दी गई है। बता दें कि उत्तर बिहार में चंपारण से लेकर मधुबनी तक नेपाल की सीमा सटता है। बता दें कि नेपाल की सीमा सटा हुआ है। नेपाल की सीमा पर दोनों देशों की ओर से मेडिकल हेल्थ कैंप बनाए गए हैं, जहां मेडिकल टीम की तैनाती कर दी गई है। इस टीम को आने वाले लोगों की जांच की जिम्मेवारी दी गई है। इसके साथ साथ दोनों देशों के जवान आने वाले लोगों पर नजर रखे हुए हैं। भारत की तरफ से SSB के जवान हैं, तो वहीं नेपाल की तरफ से APF के जवान बॉर्डर पर तैनात हैं। वहीं अगर हम बात पूर्वी चंपारण के रक्सौल बॉर्डर की कर लें, तो दोनों देशों के बीच जो लोगों की आवाजाही जारी है, इस कोरोना की तीसरी लहर के बीच में भारत ने के लोग नेपाल जा रहे हैं और वहां से वापस लौट भी रहे हैं। इस दौरान यात्रियों के मास्क की जांच की जा रही है, साथ ही साथ कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट की भी जांच की जा रही है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को संदिग्ध के रूप में पहचान की जाती है तो उस व्यक्ति की जांच की जाती है। अगर उनकी कोविड जांच पॉजिटिव आता है तो उन्हें बॉर्डर से ही लौटा दिया जाता है। वही हाल बीरगंज बॉर्डर पर हेल्थ डेस्क की इंचार्ज डॉक्टर अनीसा मेहता बताती है कि बीरगंज में दो लोगों की एक सप्ताह में कोविड से मौत हो गई। जांच की सख्ती बढ़ा दी गई है। इधर रक्सौल बॉर्डर पर भारतीय सीमा में मास्क जांच व कोविड जांच की गई है। मुख्य सीमा पर कोविड जांच के बजाय मैत्री पुल के पास कैंप लगाकर जांच की जा रही है। इधर सीतामढ़ी से लेकर बताया गया है कि नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में कोरोना की जांच की जा रही है। बता दें कि इन जिले में बरगठिया, भिट्ठा मोड़, बसुनबरसा प्रमुख बॉर्डर हैं। इसके अलावा मेजरगंज से भी लोग आते जाते हैं। इसके साथ साथ कस्टम कार्यालय के पास टीका के दोनों डोज के प्रमाण पत्र की भी जांच की जानी है। CSC की ओर से भिट्ठा मोड़ बॉर्डर पर नेपाल जाने वाले लोगों और आने वाले लोगों की जांच के लिए टीम का तैनाती कर दी गई है। इधर CSC प्रभारी डॉक्टर RK सिंह बताते हैं कि चिकित्सा के नेतृत्व में जांच की टीम प्रतिदिन लगभग 600 लोगों की जांच कर रही है। वहीं लगभग 300 लोगों का सैंपल RT-PCR जांच के लिए सीतामढ़ी भेजा जा रहा है। बताया गया है कि जिन लोगों में कोई लक्षण नजर आता है, उनकी प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाती है। वहीं नेपाल कस्टम कार्यालय पर भी टीका लेने के लिए सर्टिफिकेट की जांच की जाती है। कभी कभी RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट जांच की रिपोर्ट देखी जाती है। वहीं अगर हम मधुबनी बॉर्डर की बात कर लें, तो यहां से कोरोना जांच की रिपोर्ट निगेटिव मिलने के बाद ही नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। बता दें कि इंडो नेपाल के खुले रास्ते में कोरोना वायरस से रोगियों की संभावना को लेकर दोनों देशों के सुरक्षा बल अलर्ट मोड में हैं। SSB के 48वीं कमांडेंट चंद्रशेखर बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बॉर्डर पर जवानों को सरकार के दिशा निर्देश, कोरोना प्रोटोकॉल पालन करने वालों को ही आने जाने का निर्देश दिया गया है। तो एक तरह से देखने की अगर बिहार से नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट और दूसरा वैक्सीनेशन की दोनों डोज जो है आपके पास पूरा होना चाहिए, तभी जो है आप नेपाल में यात्रा कर सकते हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।